मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी केस दर्ज कर रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में पूरी कांग्रेस नजर आ रही है। पीसीसी चीफ ने भी बातों बातों में सरकार को चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को भिंड जिले के लहार में भाजपा सरकार के विरोध में जंगी प्रदर्शन किया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच पर बैठे कांग्रेस नेताओं की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप लोग मेरी मदद भले ना करें, लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आप लोग मदद जरूर करें। गोविंद सिंह ने कांग्रेस नेता की एक फोटो भी दिखाई। उनका आरोप है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की है। जैसा कह दिया वो ने लिया, चुनाव के अलावा कहीं चंदा नहीं लिया। आप सब उपस्थित तो रेत खदाना चलने की साथ चोरी से। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि अन्याय सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि आम जनता के साथ भी किया जा रहा है। हमें अपनी परवाह नहीं है बल्कि कार्यकर्ता की चिंता है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि भिंड जिले के कलेक्टर और एसपी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने जबरन मेरे घर में 200-300 जवान भेज दिए। गोविंद सिंह ने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होगा तो हम शांत नहीं होंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होने पर इंकलाब का आगाज होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक चिट्ठी का भी जिक्र किया, कहा कि धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है, नेतागिरी बंद करो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय ने फोन पर, विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला सकता हूँ, हिंदू मुसलमान का ये मसला है। तो ये तो घोर अपराध है। इधर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि वे जिस तरह से व्यवहार उनके साथ भाजपा सरकार में हो रहा है, जैसे ही कांग्रेस सरकार बनेगी इसी तरह का व्यवहार वह भी करेंगे, इसलिए अभी से सतर्क हो जाए और यह भेदभावपूर्ण राजनीति बंद कर दे। कोई केस लग रहा है जमीन के ऊपर, फर्जी FIR दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अहंकार और घमंड भाजपा का है उसके कारण आज ये परिस्थितियां बनी है। लेकिन आज हमने ये ऐलान किया है, एक तरफ 82 साल पहले अगस्त क्रांति दिवस के द्वारा 9 अगस्त को हमने उसके 5 साल बाद आजादी प्राप्त की थी गौरव से। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह एक बड़े नेता हैं, पार्टी के स्तंभ हैं, उनके साथ अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भिंड कलेक्टर धर्म के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। 365 भाजपा का समर्थन करने लगते हैं, इसको भी समाप्त करना है, यही आपसे मेरी प्रार्थना है, हम लड़ेंगे। और लाहौर में धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भिंड कलेक्ट्रेट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के सीमांकन मामले में प्रदर्शन किया और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कलेक्टर के बीच बहस भी हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में जहां भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता का दमन होगा या उनको परेशान किया जाएगा तो सभी नेता उस जगह पहुंचेंगे और सरकार का जमकर विरोध किया जाएगा। ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।